तो आज से यानी 17 अक्टूबर से अक्टूबर का मंथली एग्जाम शुरू होने जा रहा है। 9, 10, 11, 12 का जो हर महीने मंथली एग्जाम होता है ना, 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन सारे क्लासेस के एग्जाम एक दिन शुरू नहीं होंगे, कुछ क्लासेस के एग्जाम पहले शुरू होंगे तो कुछ के बाद में। अब यही बात आपको समझना है कि भाई ये अक्टूबर का मंथली एग्जाम जो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, किस किस क्लास का एग्जाम कब कब होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा। तो पहली बात आप समझ लीजिए कि ये 17 अक्टूबर से जो एग्जाम शुरू होने जा रहा है मंथली एग्जाम अक्टूबर वाला, वो 17 तारीख को शुरू किसका होगा, तो केवल 11 वालों का होगा। ये बात आप पहले समझ लीजिए कि 17 अक्टूबर को 9 का एग्जाम नहीं होगा, 10 का एग्जाम नहीं होगा, 12 का एग्जाम नहीं होगा। 17 अक्टूबर को शुरू किसका केवल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास का शुरू होगा। ये आप समझ लीजिए पहले कि 17 से लेकर के, और ये खत्म कब होगा, तो 24 अक्टूबर को 11 वालों का एग्जाम चलता रहेगा। ये अक्टूबर का मंथली एग्जाम है, ठीक है। सेंटअप एग्जाम की बात हम आगे करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है इसका, बहुत सारे बच्चे सवाल ये भी करते हैं कि एग्जाम में ना बैठने पर क्या होगा, हमारा सेंटअप एग्जाम कब होगा, तो ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। देखिए 17 तो मैं आप समझ गए कि 11 वालों का शुरू होगा। अब 12 की अगर हम बात करें तो 12 क्लास वालों का भी मंथली एग्जाम अक्टूबर वाला होगा, लेकिन 17 से नहीं बल्कि 21 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, रूटीन वही है जो हर महीने रहता है ना, रूटीन बस वही है, इसमें सिर्फ डेट का फर्क है, डेट बस चेंज किए गए हैं, बाकी रूटीन वही है। तो 21 अक्टूबर से 12 वालों का अक्टूबर मंथली एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो चलेगा कब तक, तो ये चलेगा 28 अक्टूबर 2024 तक 12 वालों का। तो 17 से 24 ये किसका हो गया, 11 वालों का, और 21 से लेकर के 28 अक्टूबर तक किसका होगा मंथली एग्जाम, तो ये होगा 12 वालों का। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि 12 वालों का सेंटअप एग्जाम भी होना है, 10th वालों का सेंटअप एग्जाम भी होना है। सेंटअप एग्जाम कब होंगे इसको लेकर सवाल था, तो मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया है सेंटअप एग्जाम के बारे में, फिर भी मैं आपको रफली बता दूं कि सेंटअप एग्जाम के लिए अलग से रूटीन भी आएगा, अलग से नोटिस भी आएगा, और उसका एग्जाम भी अलग से होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 17 से ये 11 का एग्जाम, तो ये मंथली एग्जाम अक्टूबर वाला है, या 21 से जो 12 का एग्जाम है ये भी मंथली एग्जाम अक्टूबर वाला है, ये सेंटअप एग्जाम नहीं है, ये आपको समझ लेना है पहली बात। अच्छा, हम अब 9, 10 का अगर रूटीन की बात करें तो 9, 10 का रूटीन भी जारी कर दिया गया है, और 9 और 10 दोनों का रूटीन बिल्कुल सेम है, एक ही है। 21 अक्टूबर से ही एग्जाम 9 और 10 का भी शुरू होगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझ लीजिए कि 17 तारीख को जो एग्जाम शुरू होगा वो केवल 11 का, और बाकी 21 से जो शुरू होगा एग्जाम वह 9 का भी होगा, 10 का भी होगा, और 12 क्लास वालों का भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कमेंट में कि अगर हम एग्जाम में ना बैठें, एग्जाम ना दें तो क्या होगा। देखिए ये सवाल जो आप पूछते हैं ना बार बार, ये सवाल का जवाब जो है ना, आपको आपका स्कूल या फिर आपका कॉलेज बेहतर दे सकता है, क्योंकि हालांकि मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है, कई वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आप अगर एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, ये आपका अपना फैसला है कि एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं देने पर क्या होगा, कोई कार्रवाई होगी या ना होगी, ये पूरी तरह से आपके अपने स्कूल पर अपने कॉलेज पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी व्यक्ति पहले से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ स्कूल वाले कार्रवाई करते हैं तो कुछ नहीं भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्कूल कॉलेज तो ऐसे भी हैं जहाँ पर ये मंथली एग्ज़ाम होता ही नहीं है, तो क्या वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या वहाँ का सबका एडमिशन कैंसिल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ही बताया है, कमेंट करके बताया है कि हमारे स्कूल में मंथली एग्ज़ाम नहीं होता, हमारे कॉलेज में मंथली एग्ज़ाम नहीं होता, तो आखिर वहाँ भी तो भाई बच्चों का एडमिशन है ना, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहाँ से भी बच्चे मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारी चीज़ें चल ही रही हैं। तो एग्ज़ाम देना या ना देना ये तो आपका फैसला है, लेकिन इस पर कार्रवाई करना या ना करना ये आपके स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है। सिलेबस की अगर हम बात करें कि ये मंथली एग्ज़ाम जो होता है हमारा, इसमें सिलेबस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए मंथली एग्ज़ाम में सिलेबस वही फॉलो होता है जो बिहार बोर्ड का मंथली सिलेबस है। मंथली सिलेबस का मतलब कि देखिए बिहार के जितने भी स्कूल हैं ना, हाई स्कूल हैं, प्लस टू स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबके लिए एक मंथली सिलेबस होता है कि किस किस मंथ तक किस किस चैप्टर की पढ़ाई हो जानी चाहिए, और उस सिलेबस के अनुसार जिस मंथ में जिस सब्जेक्ट के अंदर जितने चैप्टर तक की पढ़ाई हो जानी चाहिए उतना ही तक से सवाल आपका आता है मंथली एग्जाम में, यानी उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है आपके मंथली एग्जाम बिहार बोर्ड वाले में। तो ये आपको समझ लेना है कि सिलेबस भाई बिहार बोर्ड तय करता है, मंथली सिलेबस जो है उसका टीचर्स के लिए, उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी अरेंज किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। अब सेंटअप एग्जाम की अगर हम बात करें तो सेंटअप एग्जाम का रूटीन आने वाला है, 10 का भी सेंटअप एग्जाम का रूटीन अलग से आएगा, उनका एग्जाम भी अलग से होगा, 12 का भी सेंटअप एग्जाम का रूटीन अलग से आएगा और उनका एग्जाम अलग होगा। अभी जो मैंने इस वीडियो में बताया 17 तारीख से एग्जाम 11 का, तो ये सेंटअप एग्जाम नहीं है, और 11 वालों का वैसे भी सेंटअप एग्जाम नहीं
होता है, 9 वालों का भी सेंटअप एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ, रही बात की 21 तारीख से जो शुरू हो रहा है वो 10 का भी शुरू हो रहा है और 12 का भी शुरू हो रहा है, तो ये भी सेंटअप एग्ज़ाम नहीं है, ये अक्टूबर का मंथली एग्ज़ाम है। सेंटअप एग्ज़ाम अलग से होंगे, उनका रूटीन अलग से आएगा, नोटिफिकेशन अलग से आएगा, उसकी सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस, सिलेबस, पैटर्न सब कुछ अलग रहेगा, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। अब रही बात की इस रूटीन को हम डाउनलोड कैसे करें, तो रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और रूटीन का डाउनलोड लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।